हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एनालॉजी की क्लास पार्ट फोर। अभी तक मैंने आप लोगों की तीन क्लास ली हैं और तीसरी क्लास में मैंने आपको नंबर एनालॉजी के बारे में बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज हम लोग अल्फाबेटिकल एनालॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जो ए बी सी डी से रिलेटेड होती है, और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि एसएससी किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन। और फिर हम लोग बस ये आई थिंक ये लास्ट क्लास है एनालॉजी की, इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 100 क्वेश्चन, और ये 100 क्वेश्चन वो होंगे जो एसएससी में या फिर डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास, अल्फाबेट एनालॉजी। अल्फाबेट एनालॉजी, सो अल्फाबेट एनालॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ए बी सी डी सबको याद होगी और 1 2 3 4 26 ये भी सबको याद होगा। लेकिन जब आप पेपर करने बैठे, ठीक है, तो आपको जो शीट मिलती है सबसे पहले उसमें ए बी सी डी इस तरह से लिख लें, जिस तरह से मैंने लिखी है, 1 से लेके 13 तक ऊपर और 14 से लेके 26 तक नीचे। देखिए 1 से लेके 13 तक ऊपर और 14 से 26 तक नीचे। इससे होगा क्या, मैं आपको बताऊं, आप लोगों को अगर मानो कभी कोई सीरीज दी होती वो उसका अपोजिट वर्ड आ जाता है, कई बार देखा हो क्वेश्चन में कि जस्ट अपोजिट वर्ड लिख देते हैं, है ना, तो वो आपको वहीं दिख जाएगा। दूसरी बात, एक चीज और, ये इजोटी, ई जे ओ टी वाई, ये इजोटी कहा जाता है इसको, ई जे ओ टी वाई, क्या लिखा है, ई जे ओ टी वाई, इजोटी, ये वो वर्ड्स है जो 5, 10, 15, 20, 25 नंबर पे आते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को 20 से, मानो एबीसी कभी कभी होता है आपको 20 से एबीसी उठानी पड़ती है, मानो मैंने कहा डब्ल्यू तो आपने स्टार्ट किया टी यू वी डब्ल्यू, यानी कि 20 और 4 24, ठीक है। मैंने कहा क्यू तो आपने स्टार्ट कर दिया ओ पी क्यू, है ना, तो ओ 15 आपको पता है, पी, इस तरह आपको हर एक डिजिट का एबीसीडी का नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सपोज अगर आपको याद है तो ये अच्छी बात है, अगर सपोज किसी को नहीं याद है तो इस तरह याद रखें, मेन 5 वर्ड याद रखें, इजोटी, उसके बाद जोड़ लें। जैसे मैंने आपसे कहा 21 कौन सा नंबर आता है, तो आपने कहा पी क्यू आर एस टी यू, टी यू टी 20 है, यू 21 हो गया, ठीक है, इस तरह से। और एक बात और, ये मैंने अपोजिट डायरेक्शन में जो लिखे हैं इसका एक फायदा और है, अगर आप प्लस लगा दें तो देखिए 26 और 1 27, बी और वाई क्या होता है 25 प्लस 2 27, सी और एक्स क्या होता है 3 और 24 मिलके 27, डी डब्ल्यू ये भी 27। तो इस तरह से एक बन जाता है कि हमारा अपोजिट वर्ड क्या है, जैसे एम के अपोजिट क्या आता है, एन, एल के अपोजिट ओ, के पी, जे के क्यू, ठीक है। तो आप लोग प्लीज एक बार 2-3 बार इसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने हाथों से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कम से कम 5 बार, तो ये आपको याद हो जाएगा बस, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं अपने क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए इतने से आपके अल्फाबेटिकल एनालॉजी के लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को 50 तरह की शॉर्ट ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई ये बेस्ट है, क्योंकि जब आपको ये चीजें याद होंगी तो एग्जाम में फटाफट दिमाग काम करता है 1 सेकंड के अंदर। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए ध्यान से, मैं थोड़ा आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है। आइए, आपने क्वेश्चन पढ़ा एबीसीडी ओपी क्यू आर, बस, क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है, ये तो आपकी आंसर है, यहाँ पे आपको आंसर पढ़ना है, तो आपने इसको देखा ए बी सी डी लाइन से आ रहा है, एम एन ओ पी क्यू आर ये भी लाइन से आ रहा है, यानी कि सब लाइन से आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी यहाँ पे जो आएगा वो भी लाइन से आएगा। तो ऑप्शन देखिए, सबसे लाइन से है कोई, ई एफ जी एच लाइन से है, के एल एम एन ये भी है, पी क्यू आर एस टी एस टी यू भी, सब लाइन से है, तो यानी आपका लाइन वाला चक्कर खत्म। अब आप देखिए इसमें से कौन सा सही हो सकता है, ए से ओ कैसे आया, अब देखिए ए क्या होता है, ए होता है पहला नंबर, ओ क्या होता है, ओ होता है 15वां नंबर, यानी कि 14 कदम आगे खिसक गया, है ना, 14 कदम आगे खिसक गया, तो आपको W से 14 कदम आगे खिसकना है, ठीक है। और आपका W क्या होता है, W होता है 23, ठीक। अगर आपके पास, मैंने जैसा बताया, आप लोग पेपर में पहले ही ब्लैंक शीट में एबीसीडी लिख लेंगे तो आपको ईजी रहेगा, यानी अब W से 14 कदम आगे खिसकना है आपको, तो W आपने मार्क कर लिया 14 कदम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहां पे आ गए आप, के पे, तो देखिए के किसमें, ऑप्शन नंबर बी में, एक ही ऑप्शन है, फटाक से टिक करिए आगे बढ़िए, ठीक।
ठीक है, ये अभी आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए आपको लंबा लग रहा होगा कि आपका इसमें सर 1 मिनट लग गया सर इसमें, लेकिन ना जब आप लोग पेपर में होंगे और आपके पास ABCD ऐसे साइड में लिखी होगी, आप देखेंगे ABCD OPQR, तो A से O कैसे आया, 14 अंकों का डिफरेंस है, ऐसे W से आप आगे खिसक के 14 नंबर देख लेंगे, वो किया जाएगा फटाक से सही। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्या लिखा है, ACEG DFGH, यानी कि A के बाद B एक गैप छोड़ दिया, CDEF सब एक एक का +1 +1 +1 बन रहा। यहाँ पे देखिए DEF E छोड़ दिया, F के बाद G छोड़ दिया, H के बाद I छोड़ दिया, यानी +1 +1 +1, तो इसमें भी जो होगा +1 +1 सब में होगा। तो देखिए K के बाद LMN, ये 0 से यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है, के बाद L तो ठीक है, लेकिन M के बाद इन्होंने कोई भी गैप नहीं दिया, MN लाइन से आ गया, यानी ये गलत हो गया। ठीक है, MN फिर से लाइन से आ गया, गैप नहीं है, ये भी गलत हो गया। PQRST, अब देखिए अभी तक क्या था, हम लोग की ABCD में आगे बढ़ रही है, A से C है ना, DFGHI QSTUVW, तो भाई यहां भी ABCD आगे बढ़ेगी ना, या फिर हम लोग बैक नहीं आएंगे, आगे जाके फिर से राउंड लगेगा, या तो ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, PQRST, Q के बाद T आता है, ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा, आपने D लगा दिया, लेकिन फिर भी मैं इसको चेक करवा देता हूँ आपको। देखिए T फिर U V W X Y, यानी कि +1 +1 +1 हो रहा है, गैप आ रहा है, सही है। ठीक है, यानी यहाँ पे आंसर आ गया आपका क्या, TVXZ। ठीक है, एक तरीका और भी है, मैं आपको बता दूं, देखिए A से D कैसे आया, B और C छोड़ के, तो बस ऐसे Q से यहाँ पे क्या आएगा, PQRS छोड़ के, यानी T आ गया। ठीक है, C से F कैसे आया, C के बाद DE, यानी कि फिर से छोड़ के D और E, F आ गया, यानी S से यहाँ पे क्या आएगा, TU छोड़ के जो आएगा V। अब देखिए TV आ गया, TV किस में, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, D में, आपने सही कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको दो ट्रिक बताई, दोनों प्लीज ध्यान से रखिएगा। क्योंकि देखिए ABCD है, किसी बच्चे को प्लस प्लस करके याद होता है, जैसे मैंने एक बताया यहाँ पे लिखा है ACEG है ना, और इसे DFHJ, तो A से D कैसे आया, BC छोड़ के, C से F कैसे आया, DE छोड़ के है ना, E से H कैसे आया, ABCDEFG छोड़ के, और G से J क्या आया, HI छोड़ के, यानी सब में +2 +2 +2 हो रहा है, तो बस आपको QSUW में भी +2 +2 +2 कर देना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। देखिए ये जो सीरीज होती है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल एनालॉजी, इसके लिए आपको ABCD याद होना बहुत जरूरी है। मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिपीट करता हूँ कि ABCD और उसका नंबर जरूर याद रखिएगा, और जो ट्रिक मैंने बताई है उसी तरीके से आप अपने एग्जाम्स में पेपर कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहां देखते हैं, इसको ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि DDA और ADD, यानी ये पलट गया, यानी कि ये नंबर यहां पे आ गया और ये नंबर यहां चला गया, पहला और तीसरा नंबर आखिरी में एक्सचेंज हो गया। देखिए ये ए उठ के पहले पे आ गया और ये डी उठ के कोने में चला गया, यानी कि पहले वाला तीसरे की जगह पे और तीसरा वाला पहले की जगह पे, और बीच वाला जो था वो बड़ा हो गया, बीच वाला जो है वो बड़ा हो गया। तो बस अब आप देखिए यहां पे है, पहले वाले को पहले बीच वाला लिख लीजिए, और पहले वाले को तीसरे की जगह, और तीसरे वाले को पहले की जगह, और बीच वाले को बड़ा, तो आंसर क्या बन गया, BRR, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, एक बार फिर समझा दूं मैं, देखिए आप लोग, DDA आपका ये लिखा था, और यहां पे आंसर क्या था, DDA, इससे कैसे है, ये वाला D आ गया यहां पे, ये A आ गया यहां पे, और जो बीच वाला था वो कैपिटल हो गया, तो सिंपल सी बात है, आपका ऑप्शन है RRB, तो ये B आ जाएगा यहां पे, ये R आ जाएगा यहां पे, और ये वाला R हो जाएगा बड़ा, BRR हो गया, आंसर B। ठीक है, समझ गए, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी किसी को भी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 देखने से पहले मैं आपका 2 मिनट लूंगा। देखिए पिछले वीडियो में क्या था, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर एक एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 में था कि 25 और 125 लिखा था, तो मैंने उनको बताया था 36 से 136
216 आएगा। तो बच्चे कहते हैं सर 25 × 5 करके 125 आया है, तो 36 × 5 करके 180 क्यों नहीं आ गया। तो देखो बच्चे मैं बता दूं, ये एसएससी का क्वेश्चन था, और एसएससी जैसे मानो अगर ऑप्शन में 180 है तो हो सकता था यहाँ पे 180 भी सही हो जाए, लेकिन फिर एसएससी इसीलिए तो बदनाम है, फिर बाद में क्या कहती है कि इस क्वेश्चन को छोड़ देती है ना। या फिर एक क्वेश्चन बता देती है क्या कि भैया 25 दिया, 125 दिया है, तो 5 स्क्वायर और 5 क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो सिंपल सी बात है 6 स्क्वायर और 6 क्यूब करना है। क्योंकि कभी कभी अब भाई कभी सपोज अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना और आप फंस जाओ, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिंपल वाला फंडा छोड़ दीजिएगा, जैसे सिंपल प्लस माइनस हो रहा उसको ना करके जिसमें क्यूब या स्क्वायर या कुछ ऐसा हो रहा उसको टिक कीजिएगा। क्योंकि एसएससी थोड़ा अगर फंस जाती है तो कठिन वाले लेवल को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये तो बता चुका, क्वेश्चन नंबर 4, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीन पे देख के पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है BUCKT बकेट, और यहाँ पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये कितने वर्ड हो गए हैं, यहाँ पे कितने थे, दो दो चार दो छः, छः वर्ड थे, यहाँ पे कितने हो गए, दो दो चार दो छः, 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए, यानी जस्ट डबल। अब आप जब देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है AC, वाओ, TV, BD, JL, DF, SU, कुछ लग रहा है कि ये लाइन से सीरीज चली, ABC, यानी कि आपने देखा यहाँ पे ये B की जगह क्या आ गया, B की जगह आ गया AC, यानी B से ठीक एक पहले का और एक बाद का। U की जगह देखिए क्या आया, TV, क्यों, TUV, ये होता है ना TUV, तो U से एक पहले का T और यू के बाद का वी, यानी आपको फंडा समझ में आ गया। अब आगे देखिए मत क्या कि यहां पे बी दिया था तो आंसर में क्या आ गया, AC, एक पहले का एक बात का, यहां पे यू दिया था आंसर में क्या आ गया, TV, एक पहले का एक बात का। तो बस सिंपल, आप सब भूल जाइए, उठाइए अपनी ABCD जो आप ऊपर लिखी हुई थी और शुरू कर दीजिए लिखना, बी से पहले क्या आता है, AC, ठीक है, और उसके बाद क्या पे आ गया, ओ से पहले क्या आता है, एन, और उसके बाद आता है P, N से पहले क्या आता है, M, उसके बाद आता है O, और U से पहले क्या आता है, T, बाद में आता है V, और S से पहले क्या आता है, R, और उसके बाद T। तो बस आंसर देखिए, ACNPMO, ACNPMO, TVRT, TVRT, यानी ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, तो अब आप इस तरह के फंडे को याद रखिए कि जब भी नंबर डबल हो जाए, ठीक है, तो उसमें यही फंडा लग रहा होता है, या तो एक पहले एक बात का होगा, या फिर जस्ट बात के दो होंगे, या जस्ट पहले के दो होंगे, ठीक है, यही फंडा लगेगा और कुछ नहीं। तो ये आपको पेपर में देखना है क्या लग रहा है, लेकिन याद क्या रखना है कि पहले क्वेश्चन में 6 दिया था, फिर बाद में 2 के डबल हो गए, 12 हो गए, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, सिंपल सा क्वेश्चन है लग रहा है, देखते हैं क्या है। देखिए CFED, यानी कि CDE, C यहाँ पे, D यहाँ पे, E यहाँ पे, F, कुछ झमेला लग रहा है। जब आपको कभी ऐसे मिक्सचर दिखे ना कि आगे पीछे, तो फिर आप सब कुछ भूल जाइए, नंबर लिख लीजिए। ठीक है, C का नंबर क्या है, 3, F का क्या है, 8, E का 5, D का 4, ठीक, एफ का 5 7 8 ही होता है ना, ABCDEF, सॉरी एफ का 6 होता है, किसी ने बताया भी नहीं, चुपचाप सुन लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, PSQR का लिख लेते हैं, P का क्या होता है, PQR, OP, मैंने याद करी आपको बताया था इजोटी, OPMNOP, O अगर 15 है तो P कितना है, 16 है, फिर S कितना हो गया, एस हो गया 19, क्यू कितना हो गया, पी क्यू 16 P है तो क्यू 17 है, और आर कितना हो गया, 18। अब आप देखिएगा 3 से कितना आया, 16, यानी कि 13 बढ़ गया, 6 से कितना आया, 19, कितना बढ़ गया, 13 बढ़ गया, 5 से कितना आया, 17, यानी कि 12 बढ़ गया, और 4 से कितना आया, 18, यानी कि 14 बढ़ गया, यानी कि 13 बढ़ा, 13 बढ़ा, 12 बढ़ा, फिर 14 बढ़ा। तो सिंपल सी बात है, आपको J के बाद कितना बढ़ाना है, 13, M के बाद कितना बढ़ाना है, 13, ठीक है,
और के बाद कितना बढ़ाना है, 12, एल के बाद बढ़ाना है 14। अब फटाक से अपनी एबीसीडी खोलिएगा और देखिएगा, जे के जे जे से 13 कदम आगे क्या है, आपने लिख लिया जे, ठीक है। जे से 13 कदम आगे जब आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पे आप आए एबीसीडी, क्योंकि आपके पेपर में लिखा होगा साइड साइड में, तो देखो जे से 13 कदम, जे ये रहा। अब 13 कदम आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या आ गया, डब्ल्यू। तो फटाक से आपने लिख लिया डब्ल्यू, कहाँ पे, अपने आंसर के पास, ये रहा आपका, तो आपने क्या लिख लिया, डब्ल्यू। अगला क्या था, एम, एम से कितने कदम आगे, 13 कदम आगे। आपने फिर से अपनी जो आपने एबीसीडी लिख रखी थी वहां पे देखा, एम से 13 कदम आगे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जेड, ठीक है। फटाक से आपने क्या लिख लिया, जेड। अब आपने देखा डब्ल्यू जेड से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू जेड से एक ही ऑप्शन है, सी लगा के आप आगे बढ़ गए, ठीक है। यही होता है, आपने एक पहली बात तो आपको जेड भी नहीं देखना चाहिए था, आपको एक पता चल गया डब्ल्यू, यहाँ पे देखा डब्ल्यू कितने में, एक में, सीधे आगे बढ़ गए। इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, इसी को स्पीड कहते हैं, कि आपने एक चीज देखी आगे बढ़ गए, है ना। अब कोई बच्चे होते हैं कि पूरा पूरा देखते हैं, भाई क्यों देखोगे जब डब्ल्यू आपको मिल गया पहली बार में। फिर भी आपका आंसर डाउट दूर करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डब्ल्यू जेड फिर से आएगा। के यहाँ पे के था ना, के से कितने कदम आगे देखना, 12 कदम आगे। तो देखते हैं के से 12 कदम आगे, के ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आ गया ना हम लोग डब्ल्यू पे, तो यानी कि फिर से आ गया डब्ल्यू, डब्ल्यू जेड डब्ल्यू, अगला जेड ही आएगा इतना जब आ गया तो, ठीक है। चलिए एक छोटा सा रिकैप इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दिखा दूं। हाँ, जब भी देखिए यहां पे लिखा है सी एफ, पहले बढ़ गया फिर कम हो गया फिर बढ़ गया, है ना। यहां भी देखिए बढ़ गया फिर कम हो गया बढ़ गया, तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ सिर्फ एबीसीडी के नंबर लिख लीजिए। जैसे सी क्या हो गया आपका, तीसरे नंबर पे, एफ छठे नंबर पे, ई पांचवें नंबर पे, डी चौथे नंबर पे, ठीक है। और पी आपका हो गया 16 नंबर पे, एस आपका हो गया 19 नंबर पे, क्यू आपका हो गया 15 नंबर पे, और आर आपका हो गया 18 नंबर पे। ये आपने एबीसीडी से देख लिया। अब देखो कितना कितनी ये आगे बढ़ा है, 3 से आगे बढ़ा 16 नंबर, 6 से 19 आने में 13, सॉरी 3 से 16 आने में 13, 6 से 19 13, 5 से 15 आने में, सॉरी क्यू का नंबर क्या होता है, क्यू का 15 ए बी सी डी ई, ठीक है। और 5 से 15 आने में 10, और 4 से 18 आने में 14। इस तरह से आपने देख लिया, बस यही नंबर यहां पे भी लगाना है आपको, 13, फिर एम से भी 13 कदम आगे, फिर के से 13 कदम आगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सवाल सॉल्व करना है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि एक फिगर दे दिया होता है और आपको पूछा जाता है। देखिए अब यहाँ पे जी एच एफ से सी डी बी कैसे आया। अब यहाँ पे आपको ए बी सी डी का यूज नहीं है, यहाँ पे आपको फिगर देखना है। सबसे पहले जी एच एफ देखिए, देखिए मैं आपको पढ़ना सिखा दूँ कैसे सवाल पढ़ते हैं। ए ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे होगा आई और ये जे, फिर अंदर आ गया के एल एम एन ओ, और फिर पी सेंटर हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, जी एच एफ क्वेश्चन में, तो आप देखिए जी एच एफ किधर है, जी एच एफ ए बी सी डी ई एफ, जी ये रहा, एच ये रहा, एफ ये रहा, यानी कि जी एच एफ ये बड़ा वाला, ये ट्रेंगल बन गया, ठीक है। अब जी एच एफ से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सी डी बी की तरफ। अब सी डी बी किधर है, सी डी बी ये रहा, यानी आप देखिए इस ट्रायंगल से आप इस ट्रायंगल में कैसे आए, आपने एक ट्रायंगल छोड़ दिया बीच में, ठीक है। तो यानी आपको ई एफ डी से मिलना है, तो ई एफ डी देखिए, ई एफ डी किधर है, अब इसको रफ कर दूं ताकि आप लोग को पढ़ने में इसी रहे। अब देखिए ई एफ डी किधर है, ई एफ डी, ई एफ डी मिल गया, तो सिंपल सी बात है, एक ट्रायंगल छोड़ के जाना पड़ेगा, यहां से यहां जंप करना है, तो यानी क्या हो जाएगा, ए बी जे, ए बी जे, ठीक है, ए बी जे। अब कुछ लोग कहेंगे सर ए जे बी क्यों नहीं होगा, अब मैं आपको ये चीज बताता हूं। देखिए
ये कैसे चल रहा है? ई एफ डी था ना, ई एफ डी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रही है। देखिए ई एफ डी, तो यहां भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही बनेगी, यानी ए बी जे, ठीक है। और दूसरा ये आप कह सकते हो कि ये बढ़ा फिर कम हो गया, तो पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ठीक है। और यहां पे क्या, ये गलत है, तो क्लॉकवाइज वाला फंडा ठीक है, उसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं, पहले फिगर साफ कर दूं। ए के जे से जी एन एच कैसे आया? ए के जे, सबसे पहले ए के जे देखिए, ए के जे कौन सी डायरेक्शन चल रही है? ए के जे ऐसे, यानी कि क्लॉकवाइज से जी एन एच पे आ गया। जी एन एच किधर है? जी एन एच पे आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर से देखिएगा, ए के जे से जी एन एच, एक सिरा, एक हेड ले लिया, फिर परपेंडिकुलर का बेस ले लिया, फिर तीसरा एंगल ले लिया, हेड परपेंडिकुलर का बेस, फिर तीसरा वाला, यानी कि एक ट्रायंगल छोड़ के आगे बढ़ा। तो बस आपको ईएमडी से भी एक ट्रायंगल छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ईएमडी देख ली, ई एम डी, तो अब एक ट्रायंगल छोड़ना है, इसको छोड़ दिया आपने, यहां पे आ गए आप कहां पे, यहां पे, और ए बी, सॉरी ए के बी, क्या हो गया? ए के बी, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, बढ़ाया आपने और आगे बढ़ लिए। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, एक बार मैं फिर से बताता हूं, क्योंकि कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे इसका, लगता है एक सेकंड कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, अभी कलर चेंज हो गया है पेन का, आपको इजी रहेगी समझने में। चलिए फिर से उठाता हूं मैं, ए के जे, ए के जे, ठीक है, सिरा, फिर बेस, फिर तीसरा एंगल, से जी एन एच पे कैसे आया? जी एन एच, हेड बेस, फिर तीसरा वाला पॉइंट, और यहां से इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में कैसे आया? इसने पूरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल क्रॉस कर दिया, ठीक है। ऐसे अब ई एम डी देखिए, ई एम डी यहां से यहां कैसे आएगा? एक पूरा इसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो यहां पे आ गया, तो ए के बी, ठीक है, तो ए के बी कौन सा ऑप्शन है? देखिए ए के बी तीसरा ऑप्शन है। दोस्तों इस तरह से फिगर वाले क्वेश्चन किए जाते हैं, इसमें एबीसीडी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ आपको फिगर देखना होता है, ये देखना होता है कितने आगे हम जंप कर रहे हैं। आई होप कि आप लोगों के लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया होगा। प्लीज कोई भी क्वारी हो, कुछ भी हो, या कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और कल से हम लोग अपनी 100 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक स्टे ट्यून एंड थैंक यू, टाटा, बाय बाय।